इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कुछ सालों पहले की अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास इंडिया में कुछ लिमिटेड से सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस थे, एक या दो, जिन्हें हम बहुत ही आराम से याद रखते थे कि हाँ, ये वाला सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऐसा है, ये वाला सब्सक्रिप्शन बॉक्स ऐसा है। पर इस समय अगर हम बात करें तो इतने सारे कैटेगरीज में इतने सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस आ गए हैं कि हमें तो कई बार पता भी नहीं चलता कि ये भी एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स है। और सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के इंपॉर्टेंस आप सभी को पता ही होंगे कि आपको एक बॉक्स में बहुत सारा सरप्राइज मिलता है, बहुत सारे न्यू ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आपको यूज़ करने को मिलते हैं, और हर एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स की एक अलग ही खासियत होती है जिसे हमें एंजॉय करने के लिए मिलता है, राइट। पर आजकल हर एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स की नॉलेज रखना या चीज़ों को समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। कभी कभी हम सोचते कि यार ब्यूटी में कौन सा अच्छा है या इस कैटेगरी में कौन सा अच्छा है। ये सारी चीज़ों को हमारे लिए आसान करने के लिए मैंने रिसेंटली एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जाना है जिसने मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प किया, जिसका नाम है स्क्राइबर। scriber.in वन स्टॉप शॉप है सारे सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस के लिए। इनके पास आपको 40 बॉक्सेस मिलेंगे चूज करने के लिए। scriber.in पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस भी है, और जी हाँ, कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। आपको इनके वेबसाइट पर जाकर लेफ्ट साइड में एक बेल बटन मिलेगा, उसे हिट करना है, उसे प्रेस करना है। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे न्यू डील्स की, न्यू ऑफर्स की, वो भी आपके मोबाइल पर। जी हाँ, इसलिए scriber.in को एक बार ज़रूर चेक करिएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैंने वहाँ से दो बॉक्सेस ऑर्डर किए, एक है स्वैगी नूर और एक है क्राबो। क्राबो जो है वो मेरे लिए और अलीका के लिए बहुत ही स्पेशल बॉक्स है। वो कैसे, चलिए बताती हूँ। तो क्राबो जो है एक मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स है क्राफ्ट का, और मैं आपको बता दूँ कि मैंने क्राबो को क्यों चूज़ किया। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और मेरे पास अनिका के लिए कभी कभी बहुत कम समय होता है, और ऐसे टाइम पर अनिका क्या करती है कि मोबाइल में गेम खेलना ज़्यादा पसंद करती है, जो कि मुझे ज़्यादा नहीं पसंद आता है। पर मैं भी कहीं ना कहीं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं उसके लिए क्या ऐसी एक्टिविटी प्लान करूँ जो वो कुछ कर पाए और बिज़ी हो जाए, और साथ ही साथ उन एक्टिविटीज़ से कुछ सीख पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए मेरे पास भी उतना समय नहीं बचता। बट क्राबो ने मेरे लिए ये काफ़ी आसान कर दिया, क्योंकि क्राबो का जो मेन मोटिव है वो है पेरेंट और चाइल्ड के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो, जो कि इन एक्टिविटीज़ के थ्रू की जा सकती है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ इस बॉक्स के अंदर मिलती है, वो सारी एक्टिविटी अनिका खुद कर सकती है, मुझे बस उसे सुपरवाइज करना है, उसे हेल्प करना है कि वो कैसे कर रही है, क्या कर रही है। और इस बॉक्स में, इस क्राबो बॉक्स में 4 तरह की एक्टिविटीज़ आती है। सबसे पहली जो एक्टिविटी हमने की है वो है स्टोन आर्ट। स्टोन आर्ट बहुत ही फन एक्टिविटी थी, अनिका ने बहुत एंजॉय किया। इसमें आपको बहुत सारे कलर, स्टोन और बहुत सारी चीज़ें मिली, तो अनिका ने स्टोन्स को कलर किया और उसके बाद स्टोन को डेकोरेट किया, और इस तरह से उसने एकदम स्टोन आर्ट वाला जो एक्टिविटी है उसे एंजॉय किया। उसके बाद अनिका ने मॉडर्न आर्ट किया, जो कि अनिका को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सबसे पहले अनिका ने पॉट पर बहुत अच्छे से मार्कर से कुछ शेप्स बनाए और उन्हें कलर किए। उसके बाद उसने जो वहाँ पर एक तरह का मतलब पेंटिंग बोर्ड मिला था, वहाँ पर भी अनिका ने बहुत अच्छे से पेंटिंग किया, और ये सारी चीज़ें मैं सुपरवाइज कर रही थी। और अनिका मेनली इन सारी एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय कर रही थी, और मैं बता दूँ एक एक्टिविटी करने को उसे लगभग 1 घंटा लग रहा था। तो ये जो है 4 एक्टिविटी के साथ बॉक्स आता है, तो 4 घंटे की एक्टिविटी आपके पास है। तो अगर आप एक दिन में एक एक्टिविटी भी करवाते हैं तो भी काफ़ी है। वो तो अनिका ने जो स्टोन आर्ट में 4 स्टोन मिले थे वो एक ही टाइम में कलर कर दिए, नहीं तो आप एक दिन छोड़कर एक दिन इस तरह से प्लान कर सकते हैं। पर अनिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए एक ही दिन में उसने इतनी सारी एक्टिविटी कर ली। उसके बाद हमने बटन आर्ट वाली एक्टिविटी की, जिसे करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आई। सबसे पहले अनिका ने वो जो डायनासोर है उसे कट किया, फिर उसे स्टिक किया, उसके बाद ग्रीन के डिफरेंट डिफरेंट शेड के जो बटन्स थे उन्हें लगाकर अनिका ने
बहुत एंजॉय किया इस बटन आर्ट को, और पहली बार अनिका ने ऐसा कोई एक्टिविटी किया था तो अनिका वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस एक्टिविटी। और उसके बाद हमने सैंड आर्ट किया। सैंड आर्ट करने में अनिका को मेरी हेल्प ज़रूर लगी, पर अनिका ने वो सैंड आर्ट वाली चीज़ें भी बड़ी ही एंजॉय की। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटी इस बॉक्स के अंदर आती है वो नाइसली लेबल होकर आती है, पैक होकर आती है। एक एक एक्टिविटी अलग अलग, उसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन कोई भी क्रिएट नहीं होगा। और इसकी वजह से मैंने और अनिका ने बहुत ही क्वालिटी टाइम जो अच्छा वाला है हमने स्पेंड किया, और काफ़ी एंजॉयबल था ये मोमेंट हम दोनों के लिए। बॉक्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटी थी उनके जो इंस्ट्रक्शन थे नाइसली लेबल किए गए थे, तो हमने वो जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ पढ़ के हर एक एक्टिविटी को पूरा किया, और अनिका को हर एक इंस्ट्रक्शन समझने में बहुत आसानी हुई क्योंकि सारी जो इंस्ट्रक्शंस थी वो पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पर समझाई गई थी। और एक अच्छी बात मैं बताऊँ, इस बॉक्स के ऊपर अनिका का नाम लिखा था जो कि एक पर्सनल टच दे रहा था, और अनिका इस बॉक्स के ऊपर खुद का नाम देखकर खूब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुई थी। और मैं बता दूँ इस तरह से यह पर्सनलाइज बॉक्स आता है बच्चे के नाम के साथ, और एक अंदर लेटर आता है वहाँ पर भी अनिका का नाम लिखा गया था। और एक मैं अच्छी बात बताऊँ, इसके अंदर एक मोटिवेशनल गिफ्ट भी आता है जिसे आप अपने बच्चे को एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं। और जब अनिका ने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट की ना, तो मैंने उसे वो की चेन दिया किट्टी वाला, जिसे देखकर अनिका सच्ची में बहुत खुश हो गई थी। और ये उसके लिए टोटली सरप्राइज था, उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो मतलब करने में तो बहुत मज़ा आता है, और इसके पीछे एक ही मोटिव है कि आप अपने बच्चे के जो भी पीसेस है, मास्टर पीसेस जो बना रहा है आपका बच्चा, उसे आप चेरिश कर पाए। और उसे चेरिश करने के लिए मैंने पता है क्या किया, उसे अनिका के कमरे में उसके रूम में वॉल पर हैंग करवा दिया। और लिटरली अनिका वॉज वेरी हैप्पी कि यस, मैंने जो चीज़ें बनाई है वो वॉल पर चिपकाई है। इससे सिंपली हुआ क्या मैं आपको बता दूँ, अनिका को बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ उसके क्रिएशन पर। और यही चीज़ जो है क्राबो की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई कि सिंपली उन्होंने एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को कितना ज़्यादा मोटिवेट किया और उनके क्रिएशन को भी एक अलग ही लेवल पर लेकर गए। क्राबो के लिए ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे को कुछ ऐसा एकदम स्किल डेवलपमेंट वाली चीज़ें आनी चाहिए या ऐसा कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें क्राबो के उन बॉक्सेस में अच्छे से लिखी हुई है, तो आप हेल्प करते हुए अपने बच्चे को ये सारी एक्टिविटी करवा सकते हैं। बिलीव मी, मुझे ये सारी चीज़ें करने में अनिका के साथ बहुत अच्छा लगा, और अनिका जो है काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, और ये ऑटोमेटिकली उसे एक हेल्प कर रहा था क्रिएटिव माइंड बनाने में। तो मैं आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि ये ट्रूली द बेस्ट क्रिएटिव बॉक्स है आपके बच्चों के लिए, और इसलिए आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो अनिका को क्वालिटी टाइम देने के बाद मेरा मन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और मेरे से ज़्यादा तो अनिका खुश हो गई है क्योंकि उसे चार चार एक्टिविटीज़ जो करने को मिल गई है, और उसके बाद उसे एक गिफ्ट भी मैंने दे दिया है, तो वो तो पूरी तरह से खुश हो गई है। पर अभी बारी आती है मेरी स्किन की। जी हाँ, मैं अपनी स्किन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, क्योंकि जब स्किन अच्छी होती है ना, तो वैसे ही मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो रिसेंटली मैंने sciberr.com से अपने लिए एक मंथली सब्सक्रिप्शन बॉक्स को ऑर्डर किया था जो कि ब्यूटी कैटेगरी में से था, और यहाँ पर मैंने अपने लिए बहुत सारे फेस पैक्स ऑर्डर किए हैं जिससे मैं अपने स्किन को पूरे मंथ अच्छे से पैम्पर कर पाऊँ। और मैंने स्वैगी नूर नाम के इस बॉक्स को ऑर्डर किया है। तो मैंने स्वैगी नूर को क्यों ऑर्डर किया वो मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो देखिए, मैं आ चुकी हूँ नो मेकअप फेस के साथ, और मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम देने वाली हूँ, और मुझे हेल्प करने वाला है ये नूर बॉक्स। नूर बॉक्स का और एक वर्जन आता है, वो है स्वैग बॉक्स, मेरे पास इस समय है नूर बॉक्स। ओके, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस बॉक्स को अच्छे से देखेंगे तो आपको कुछ पेंटिंग दिखेगी, राइट? तो ये पेंटिंग किसने की है मैं आपको बता दूँ, ये जो नूर बॉक्स है इन्होंने कोलैबोरेट किया है एक NGO के साथ जिसका नाम है प्रयास, और प्रयास NGO जो अनप्रिविलेज बच्चे होते हैं स्लम एरिया के, उनसे इस तरह का जो क्राफ्ट वर्क है या पेंटिंग का वर्क है वो करवाते हैं।
पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं दिल से अनप्रिविलेज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करना चाहती हूँ, पर मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से, हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं सच्ची में इन सब के लिए कुछ नहीं कर पाती। पर जब मुझे पता चलता है ना, कोई है जो मेरी ही तरह सोच कर कुछ कर रहा है, तो मुझे दिल से खुशी होती है। तो देखिए, अनप्रिविलेज बच्चों के हाथों से इतना सुंदर सा ये जो डिज़ाइन किया हुआ बॉक्स आया है, सच्ची में मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे बच्चों को हर एक फैसिलिटी मिलती है, हर एक चीज़ मिलती है, हर एक ऑप्शन मिलता है, वैसे अनप्रिविलेज बच्चों को भी इन सारी चीज़ों का पूरी तरह से हक है लेने का। पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, पर ये पॉसिबल तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर कुछ करें। और जी हाँ, मुझे लगता है कि ये स्वैगी नोट बॉक्स ऐसा ही कुछ कर रहा है, इसीलिए उन सभी बच्चों को कुछ हेल्प, सपोर्ट, कुछ नई चीज़ करने के लिए मिल रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे हाथों में कुछ इस तरह का बॉक्स है। तो चलिए बात करते हैं बॉक्स के अंदर की चीज़ों की। इसके अंदर है कुछ स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और बहुत सारे शीट मास्क। जी हाँ, आपने बहुत सही सुना है, शीट मास्क मेरे फेवरेट होते हैं। और जब मैं इसे खोलूँगी ना, तो सबसे पहले मुझे ये कार्ड मिलेगा और यहाँ पर एक हैंड रिटन लेटर है और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है कि मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट एजुकेशन इज़ important. We are not asking for donation but we are looking for the volunteers who can guide to teach us and help us in shaping our future. ऐसी बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी है और ये किड्स ऑफ प्रयास के बच्चों ने लिखी है, मतलब प्रयास जो NGO है उनके बच्चों ने लिखी है। सच्ची में मुझे ये लेटर का जो भी ये पीछे का हैंड रिटन चीज़ पढ़ कर ना बहुत अच्छा लगा। एंड ये बात सही है कि हमें अगर इन बच्चों को मतलब शेप करना है, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा करवाना है, तो ऑब्वियसली हमें उनके लिए कुछ वॉलंटियर्स ऐसा बनना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस बॉक्स को खोलती हूँ और जब मैं इसे खोलती हूँ तो सबसे पहले देखिए मेरे हाथों में यहाँ पर ये वर्ड का पाउडर क्लींजर आ रहा है जो कि सैफ्रन एंड मिल्क के साथ है। पाउडर क्लींजर सेम होता है हमारे फेस वॉश की तरह, बस फेस वॉश जो है लिक्विड फॉर्म में आता है और ये जो है पाउडर फॉर्म में आता है। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, इसे हाथ में लीजिए, थोड़ा सा पानी मिक्स करिए, अगर आप चाहें तो रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं, और अपने फेस को हल्के हाथों से मसाज करते हुए क्लीन करिए और फिर पानी से धो लीजिए। तो इस तरह से आप इस पाउडर फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसे पाउडर फेस वॉश भी बोल सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर बॉन सॉल का रोज़ वाटर। रोज़ वाटर के बहुत सारे यूजेस हैं, आप अपने फेस पैक पर मिलाकर लगा सकते हैं, डायरेक्ट अपने फेस पर स्प्रे कर सकते हैं। ये एज अ टोनर, एज अ फ्रेशनर काम करता है। थोड़ा सा मैं फ्रेश अपने चेहरे पर मार लूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, सेम रोज़ की तरह। जी हाँ, रोज़ वाटर है तो रोज़ की तरह तो खुशबू रहेगी ना। उसके बाद मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र ये है द नेचर्स कोक का सैफ्रन रेडियंस फेस क्रीम। ये इसे पहले बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसकी जो सैफ्रन वाली खुशबू है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक पेपर मिल रहा है जहाँ पर हर एक प्रोडक्ट को यूज़ करने के और साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स की कीमत और हर एक चीज़ मेंशन है यहाँ पर पेपर पर, तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मॉड सबका मेरा फेवरेट शीट मास्क है। ये मास्क मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इसमें विटामिन सी का इसेंस भी है। शीट मास्क हम क्यों यूज़ करते हैं आप सभी को पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होते हैं। शीट मास्क बस हमें एक ही बार यूज़ करना होता है, एक बार यूज़ किया, निकाला और फेंक दिया। बट ये मास्क एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज करती है, नरिश करती है और बहुत लंबे समय तक हमारी स्किन का जो मॉइस्चराइजिंग लेवल है वो एकदम मेंटेन करके रखती है। इसलिए मुझे ना शीट मास्क बहुत अच्छा लगता है। जब भी मेरी स्किन ड्राई या ऐसी डल दिखती है ना, मैं जाती हूँ और शीट मास्क लगा लेती हूँ एंड दैट सेट, मेरी स्किन इंस्टेंटली ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज लगने लगती है। तो इसीलिए मुझे शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर देखिए बॉन सॉल का मेरे पास सेकेंड शीट मास्क है। ये सिल्क प्रोटीन हाइड्रेटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग है फॉर स्मूदर एंड ग्लोइंग स्किन एंड ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए परफेक्ट है। इसके अंदर एलोवेरा है, यस। उसके बाद देखिए जेजू का कैक्टस मास्क है। मैंने आज तक कैक्टस का मास्क नहीं सुना है,
कैक्टस का जो मास्क होता है वो काफ़ी नरिशिंग होता है ऐसा इस पर लिखा है, और ये स्किन को काफ़ी मॉइस्ट एंड सपल कॉम्प्लेक्शन देता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मास्क को यूज़ करने के लिए। उसके बाद मेरे पास है मीरा बेल हर्ब्स फेयरनेस फेशियल मास्क, जो कि इस तरह से दिख रहा है। और हर्ब्स का फेशियल मास्क मैंने आज तक आई थिंक नहीं सुना है, ना ही लगाया है, ना ही यूज़ किया है। ये सूटेबल है मैन वुमेन के लिए, और इसके अंदर क्या लिखा है कि एक्सट्रैक्ट फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डिलीवर रिच न्यूट्रिशन टू द स्किन एंड प्रोवाइड इंटेंस मॉइस्चर एंड फेयरनेस, मेड इन कोरिया। तो कोरिया के तो प्रोडक्ट्स आपको पता ही है कि स्किन केयर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये देखिए, इसे यूज़ करने का तरीका भी दिया है। और यहाँ पर मेरा ये जो नूर बॉक्स है वो खाली हो चुका है। सो पर्सनली मुझे नूर बॉक्स का ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत पसंद आया, और इसकी भी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। और बस इसी तरह से मुझे अच्छा लगता है अपनी स्किन को वेल पैम्पर करना, मॉइस्चराइज करना। और इसमें इतने सारे शीट मास्क आए हैं, तो अगर मैं एक हफ्ते में एक भी यूज़ करती हूँ तो देखिए मेरे पास 4 शीट मास्क है। तो एक पूरे महीने के लिए मेरे पास मास्क हो गए अलग अलग तरह के, और साथ ही साथ ये मेरे पास फेस पाउडर भी हो गया जिसे मैं एज अ क्लींजर यूज करूंगी। और ये है मेरा फ्रेशनेस का एक छोटू सा टॉनिक जो मेरी स्किन को एकदम मस्त बना देगा। सो ओवरऑल मुझे तो ये बॉक्स काफी अच्छा लगा। तो sciberr.in से मैंने ये क्राबो और ये नूर बॉक्स मंगवाए थे। आई रियली होप कि इनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। sciberr.in की जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगी आप सभी के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पर जितनी भी डिटेल्स मैं आप सभी के लिए दे पाऊँ वो सारी दे दूंगी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये जो sciberr.in के साथ बहुत अच्छा रहा, और ये दोनों ही बॉक्स मेरे दिल को छू गए हैं, क्योंकि मैंने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अनिका के साथ विथ लॉट्स ऑफ गुड एक्टिविटी, और साथ ही साथ मैंने अपनी स्किन को भी बहुत अच्छे से पैम्पर किया, यानी आप बोल सकते हैं कि मैंने अपनी स्किन को भी बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम दिया है। सो हर एक जो औरत है क्या चाहेगी, बच्चों के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम और उनकी परफेक्ट स्किन, राइट? सो मेरा तो एक्सपीरियंस दी बेस्ट रहा। अब आपकी बारी है, सारी लिंक्स और सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगी। और गिफ्टिंग के लिए भी ये दोनों बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी लव वन को, स्पेशल वन को स्पेशल गिफ्ट दें, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई और गिफ्ट हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको sciberr.in से कुछ भी मंगवाना है और अगर आपके कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उन्हें आंसर करने का। तो चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।